हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके थे, तो 9th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट ओलिक रिएक्शन कंडीशन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके पास 1 ब्रोमो प्रोपेन है, इससे आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है दो स्टेप में। सबसे पहले एक्स के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसका रिएक्शन बाई के साथ करवाइएगा तो सेकेंड पोजिशन पे ब्रोमीन लग जाना चाहिए। तो एक्चुअली में ये जो है इथीन, सॉरी प्रोपीन बना दीजिए, अल्कीन CH3 CH डबल बोन CH2। और जब इसका रिएक्शन HBr से करवाइएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो मार्कोनिकोव एडिशन होता है तो अमीर अमीर बनेगा। तो इन दोनों में इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो ये अमीर है, इससे और 1 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और अमीर बन जाएगा 3 हाइड्रोजन, और इससे Br अटैच हो जाएगा तो आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। अब अल्किन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये आप एक्चुअली में पढ़िएगा ORM4 के टाइम, कि जब अल्काइल हेलाइड मतलब अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, मतलब यहां से Br और यहां से एच जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। तो KOH की जगह NaOH भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शन में NaOH दिया हुआ है, तो कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH, एक्चुअली में NaOH हो या KOH हो दोनों बेस की तरह एक्ट करेगा, और यदि एक्वस रहता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हो जाएगा, तो Br हटेगा OH लग जाएगा तो अल्कोहल बनेगा, जबकि हमको अल्किन बनाना है तो कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH होना चाहिए आपका एक्स। ये दो ऑप्शन में है बी और डी में। उसके बाद बाई है यहाँ पे Br2CHCl3, यहाँ बाई है HBr, तो बाई आपका HBr होना चाहिए, तभी तो यहाँ से H और यहाँ से Br लगेगा। इस केस में तो अल्किन पे दोनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा तो आपका 1,2 डाई ब्रोमो बन जाएगा, जबकि हमको 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, तो इसका आंसर बी होगा। X आपका कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH और बाई HBr एसिटिक एसिड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहे हैं। इसके बाद 10th है, कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एक्वस एसीटोन विल गिव। तो हाइड्रोलिसिस करवाना है तो सबसे पहले तो यहाँ से Cl- जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज बनेगा, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट होगा, ये अपने से स्टेबल में रीअरेंज होना चाहेगा, तो किस तरफ शिफ्ट होगा, इधर या इधर, मतलब अगर इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज तो मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बेंजीन से NO2 ग्रुप अटैच है तो माइनस आई है और माइनस में लगाएगा तो ये कार्बोकेटायन को अनस्टेबल बनाएगा, लेकिन जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा OCH3, OCH3 प्लस एम लगाता है तो प्लस एम से स्टेबलाइज करेगा, मतलब कार्बोकेटायन इधर से इस तरफ शिफ्ट होगा। तो इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या शिफ्ट होगा, इस तरफ हाइड्रोजन या मिथाइल, तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो CH3 प्लस आई से भी स्टेबलाइज करेगा, हाइपर कंजुगेशन भी लगाएगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, तो कार्बोकेटायन आपका दो बन रहा है, एक तो यहीं पे पॉजिटिव चार्ज रहे, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो H2O से OH माइनस यहीं पे लग जाएगा तो यहाँ पे OH लग गया, दूसरा है कि H यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया मतलब OH यहाँ पे लगे, बाकी सारा AgCH3, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ OH, तो फर्स्ट भी बन सकता है, विल गिव मतलब मेजर प्रोडक्ट नहीं, क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट भी बन सकता है, सेकेंड भी बन सकता है, थर्ड नहीं बनेगा, मतलब कार्बोकेटायन इस तरफ रीअरेंज होकर नहीं जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल करेगा NO2 का माइनस आई और माइनस एन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं लगेगा तो यहाँ पे H2O से OH भी अटैच नहीं होगा, तो SN1 मैकेनिज्म होगा और फर्स्ट या सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा, तो मिक्सचर ऑफ 1 एंड 2 ए होगा, 1 और 3 नहीं बन सकता, ओनली 3 ये भी नहीं होगा, ओनली 1 बनेगा, तो दोनों, एक तो जो आपका Cl हटे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो वहीं से H2O अटैक कर दे तो यहाँ OH अटैच हो जाएगा, और रीअरेंज करेगा तो इस तरफ रीअरेंज करेगा, इस तरफ रीअरेंज नहीं करेगा तो दो प्रोडक्ट बनेगा, थर्ड वाला नहीं बनेगा। नेक्स्ट है द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सीन फ्रॉम साइक्लोहेक्सानल। तो आपके पास साइक्लोहेक्सानल है, साइक्लोहेक्सीन में से OH अटैच है साइक्लोहेक्सानल, इससे साइक्लो हेक्सीन बनाना है, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H हटके यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, तो इसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए,
कंसंट्रेटेड एस सी एल प्लस जेड एन सी एल टू, ये तो एस एन वन मैकेनिज्म करेगा, मतलब ओ एच यहाँ से हटता है और सी एल लग जाता है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल से वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, सी एल लगेगा इस केस में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए एक्चुअली में यहाँ से, कंसंट्रेटेड एच टू सॉरी कंसंट्रेटेड एस थ्री पी ओ फोर, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो यहाँ से ओ एच यहाँ से एच जाएगा तो डबल बोन लग जाएगा, तो इस केस में तो एक पॉसिबिलिटी है। बाकी एच बी आर, ये भी बी आर लगा देगा, ओ एच जो है एच प्लस एक्सेप्ट करके पहले ओ एच टू प्लस लिविंग ग्रुप बनाएगा, फिर ये बाहर चला जाएगा तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है साइक्लोहेक्सानल में, तो ये आपका इस तरह से कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद फिर बी आर माइनस अटैक करता है तो यहाँ से बी आर लग जाता है, जैसे यहाँ पे सी एल लगा था ए से। सिमिलरली कंसंट्रेटेड एच सी एल से भी यहाँ सी एल लग जाएगा, जेड एन सी एल टू तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए, लगेगा तो वही कंसंट्रेटेड एच सी एल हो या कंसंट्रेटेड एच सी एल प्लस जेड एन सी एल टू हो, ये तीनों न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एस एन वन मैकेनिज्म होता है, लेकिन कंसंट्रेटेड एच थ्री पी ओ फोर के केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो ओ एच और एच डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो माइनस एच टू करता है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, तो बेस्ट मेथड आपका बी है। इन तीनों के केस में मेजर प्रोडक्ट एस एन वन मैकेनिज्म से बनेगा तो अल्काइल हैलाइड ही बनेगा, इस केस में अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और यहाँ पे फिर से अल्काइल क्लोराइड, बी होगा बेस्ट मेथड अल्किन बनाने का, मतलब साइक्लोहेक्सीन बनाने का। नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो आपके पास इसका रिएक्शन करवा रहे हैं पी एच एस माइनस से, तो पी एच एस माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो सल्फर अटैक करेगा बी आर माइनस बाहर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से एस पी एच अटैच हो जाएगा, लेकिन जब आप ऑप्शन देखिएगा तो सभी में इस दो में तो एस पी एच अटैच्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया जबकि है न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है, तो ये तो गलत ही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा दिया है तो ये भी गलत है। अब इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया है और ये स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल है तो एस एन टू मैकेनिज्म होगा, मतलब बी आर जिस तरफ अटैच है उसके अपोजिट साइड से रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे वेज पे है तो जब रिएक्शन होगा तो डैश पे एस पी एच अटैच होगा, तो ये सेम साइड में अटैच नहीं होगा, तो बी भी रिजेक्टेड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द सिंथेसिस ऑफ थ्री ऑक्टाइन इज अचीव्ड बाय एडिंग ए ब्रोमो अल्केन इनटू ए मिक्सचर ऑफ सोडियम एमाइड एंड एन अल्काइन, द ब्रोमो अल्केन एंड अल्किन रिस्पेक्टिवली आर, तो आपको थ्री ऑक्टाइन बनाना है, किससे, ब्रोमो अल्केन और सोडियम एमाइड और अल्काइन का मिक्सचर है, NaNH2 और R मतलब अल्काइन, कोई भी अल्काइन हो सकता है, तो ये आपको पता है कि बेस है, टर्मिनल अल्काइन होगा तभी ये एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सकता है, मतलब R C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और इसके साथ जब ये बेस रिएक्शन करेगा तो R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बनेगा, तभी तो ये ब्रोमो अल्केन आर बी आर पे अटैक करेगा और आर बी आर पे अटैक करेगा आर सी, ये जो माइनस चार्ज है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बी आर बाहर आर डैश, इसको मान लीजिए क्योंकि आर और आर डैश सेम हो जरूरी नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ से आर डैश ग्रुप, तो ये आपका थ्री ऑक्टाइन होना चाहिए, थ्री ऑक्टाइन का स्ट्रक्चर बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम, अब 8 कार्बन में थर्ड से ट्रिपल बॉन्ड, अब R और R डैश का क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो है कि आपका R इथाइल ग्रुप हो C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब R C ट्रिपल बॉन्ड CH ये वाला पार्ट हो, तो ये वाला R भी R हो जाएगा, मतलब चार कार्बन एटम का ब्रोमो होगा, मतलब 1 ब्रोमो ब्यूटेन और यहाँ पे 1 2 3 4 तो ब्यूट 1 आयन, एक पॉसिबिलिटी ये है 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 ब्रोमो नहीं हो सकता, 1 ब्यूट 1 आयन, तो ये तो होगा यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 ये गलत है 1 2 3 4 5 ये भी गलत है 1 2 3 4, तो ये आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन है और उसके बाद ये C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये देखिए ब्यूट 1 आयन, तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर गया तो आंसर डी हो जाएगा, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, इसीलिए अगर मान लीजिए ये मैच नहीं करता
तब आप मानते कि ये आर ग्रुप है, सॉरी हाँ ये आर ग्रुप है और ये आर डैश ग्रुप है, मतलब सी टू एच फाइव बी आर है और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हेक्स वन आइन है, मतलब 6 कार्बन एटम का अल्काइन है। तो 6 कार्बन एटम का अल्काइन एक भी ऑप्शन में था ही नहीं, क्योंकि कोई एक ही ऑप्शन देंगे ना सिंगल करेक्ट ऑप्शन में, अगर मल्टीपल रहता तो एक ऑप्शन ये भी बन सकता था कि आपका अल्काइल हेलाइड C2H5Br हो और अल्काइन जो है वो आपका 6 कार्बन एटम का हेक्साइन हो, हेक्स वन आइन, लेकिन सिंगल करेक्ट है तो एक ही ऑप्शन देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इन द रिएक्शन दिस द प्रोडक्ट्स आर, तो आपके पास ईथर है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HBr से, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर जो है वो H+ एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो OH+ बनाएगा, OH+ और CH3। अब ये जो Br- है, Br- अटैक करेगा CH3 पे और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो PHOH+CH3Br बनेगा, Phenol+CH3Br ऑप्शन डी में है, तो आंसर डी हो जाएगा। अब आप यदि ऑप्शन सी देखें तो आप बोलिएगा सी भी तो हो सकता है, मतलब Br- यहाँ इस कार्बन पे अटैक करे तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो CH3OH+PHBr होना चाहिए, लेकिन क्लीवेज ऑफ ईथर दो बात पे डिपेंड करता है, अगर 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तब तो आपका SN1 मैकेनिज्म होगा, मतलब कार्बोकेटायन बनेगा फिर फर्दर रिएक्शन होगा, अगर 3 डिग्री से कम स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो उस केस में SN2 मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिएगा तो फिनाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा, और अगर इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिएगा CH3 और ऑक्सीजन के बीच में तो CH3+ बनेगा, तो दोनों 3 डिग्री से कम स्टेबल कार्बोकेटायन है, मतलब SN2 मैकेनिज्म होगा, और SN2 मैकेनिज्म होगा तो न्यूक्लियोफाइल लेस हिंडर्ड साइट पे अटैक करेगा, तो इसलिए Br- मिथाइल ग्रुप पे अटैक करता है ना कि बेंजीन ग्रुप पे, तो मिथाइल ग्रुप पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो PHOH+CH3Br, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, Ki इन एसीटोन अंडरगोज SN2 रिएक्शन विथ ईच ऑफ PQR एंड S, द रेट ऑफ रिएक्शन वेरी एज, तो SN2 रिएक्शन हो रहा है PQRS में तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम बताए थे कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NO2 C डबल बॉन्ड O ये सब ग्रुप यदि अटैच रहता है तो रेट बहुत ज्यादा होता है, तो आप S देखिए, S में C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच है, इसके बाद नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट इसी में होगा, बाकी किसी में C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच नहीं है, तो S सबसे फास्ट। अब आप देखिएगा तो S सबसे फास्ट एक ही ऑप्शन में है B, मतलब आंसर B ही होगा। अब आप बाकी का भी कंपेरिजन देख लीजिए, तो S सबसे फास्ट होगा PQR में, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हिंड्रेंस के, जिसमें कम हिंड्रेंस होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा, तो PQR में आपको दिख रहा है P में सबसे कम हिंड्रेंस है, क्यों, क्योंकि कार्बन से 3 हाइड्रोजन ही अटैच है स्मॉल एटम, लेकिन इस केस में 2-2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इस केस में भी एक इतना बड़ा ग्रुप अटैच है तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो इसके एस के बाद पी होगा, एस के बाद पी है भी, उसके बाद R और Q में एक ही बड़ा ग्रुप अटैच है R में, तो इसमें हिंड्रेंस कम है, इससे इस केस में 2-2 बड़ा ग्रुप अटैच है CH3 CH3, तो हिंड्रेंस ज्यादा है तो सबसे स्लो रिएक्शन Q में होगा, तो SPRQ आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर एक्स साउंड बिलो इज फास्टेस्ट फ्रेंड, तो इस केस में ये फास्टेस्ट कब होगा ये बताना है आपको, तो आप देखिए इस केस में ये तो फिक्स है कि जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल बनेगा, मतलब SN1 मैकेनिज्म होगा, और फास्टेस्ट रिएक्शन करना है मतलब और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने, तो ए है कि 1 फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप, तो एक फिनाइल ग्रुप को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तब तो इससे भी स्लो रिएक्शन हो जाएगा, फास्ट क्या होगा, और सबसे फास्टेस्ट हमको सर्च करना है, तो फिनाइल से कम स्टेबलाइज करेगा मिथाइल ग्रुप कार्बोकेटायन को तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, फास्ट नहीं हो सकता है। 1 फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय पारा मिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप, मतलब एक बेंजीन रिंग जो ये फिनाइल ग्रुप है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए पारा मिथॉक्सी, मतलब पारा पोजिशन पे OCH3 ग्रुप अटैच रहे तो OCH3 प्लस एम लगाता है, तो प्लस एम से कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, मतलब
रिएक्शन फास्ट होगा फास्टेस्ट। ये बाकी ऑप्शन चेक करने के बाद बता सकते हैं कि सबसे फास्ट है या फास्ट है। उसके बाद सी में टू फिनाइल ग्रुप आर रिप्लेस बाय टू पारामिथोक्सीफिनोल। तो इस केस में दो बेंजीन रिंग को पारामिथोक्सी फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिए, तो दो दो मिथोक्सी ग्रुप का प्लस में लगेगा तो और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो इस केस में बी से भी फास्ट होगा। इसके बाद डी ऑप्शन बोल रहा है कि कोई चेंज नहीं करें, तो चेंज कर रहे हैं तब तो फास्टेस्ट तो हो रहा है, तो ऑप्शन सी होगा सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस में कौन सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन को करेगा, तो जब सी ऑप्शन करेंगे, मतलब दो दो फिनाइल ग्रुप को रिप्लेस कर दें पारामिथोक्सी फिनाइल ग्रुप से। अगर डी में रहता कि तीनों फिनाइल ग्रुप को रिप्लेस कर दें तो ऑप्शन डी ही हो जाता आंसर, लेकिन ऐसा है नहीं तो ऑप्शन सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो आपके पास इसका रिएक्शन आप CH3MgBr से करवाइए, उसके बाद एक्वस एसिड। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और आपके पास अल्काइल हैलाइड और कार्बोनिल है। तो आप यदि ऑप्शन ए देखिएगा तो पक्का गलती कर दीजिएगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा Cl- बाहर, तो आप बोलिएगा यहाँ से CH3 अटैच हो जाए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी है यहाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्टर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो CH3- यहाँ ना अटैक करके कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, तो यहाँ से CH3 अटैच होगा और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये O-। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, देखिए CH3 अटैच था और जब रिएक्शन हुआ तो एक और CH3 अटैच हो जाएगा और ये O-, और यहाँ Cl है। अब ये O- न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब जाके Cl- बाहर होगा, क्योंकि अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का कोई चांस नहीं बच गया। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ से आपका 5 मेंबर्ड का रिंग बन जाता है। 1, 2, 3, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 5 मेंबर, और ऑक्सीजन के नेक्स्ट कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस तरह से दो CH3 अटैच है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ये यहाँ पे इसलिए दिया गया ताकि स्टूडेंट गलती करे। और उसके बाद ये देखिए ऑप्शन डी सेम प्रोडक्ट है जो बना है, मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। तो सेक्शन सी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।